बार स्वागत भी किया है आपने। ये मेरा सौभाग्य है। मेरा नाम सुरेश सिंह सोनग्रा श्री राष्ट्रीय राजपूत कड़ी से राष्ट्र महासचिव होने के नाते मेरे जो मुखिया हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि हम सबका आज इनको दादा हमारे जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं और हमारे कटार दादा जो इसकी बोले रीढ़ की हड्डी हमारे जो उपाध्यक्ष जी हैं ये पधारे, तो आज मेरा मन और मेरी आत्मा तृप्त हो गई। मेरे निजी निवास पे आए हैं तो हमारे कई प्रकार सुबह से कल से मैं इन्हीं के साथ में कई प्रकार के मुद्दे पे चर्चा चल रही थी। जैसे हमने बताया कि महाराणा प्रताप की हम 1000 मूर्तियों को स्थापना करने वाले मध्य प्रदेश में हैं। अभी इस गार्डन का नाम भी हमने महाराणा प्रताप रखा है। और सबसे पहले आज दादा को यहाँ बताने के इसलिए लाया कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी बिल्डिंग में सबसे बड़ा ध्वज रहेगा और सबसे बड़ी मूर्ति जो रहेगी महाराणा प्रताप की वो इस हवेली के ऊपर रहेगी। साथ में चर्चाओं के बाद कई अनेक चर्चा हमने की, चुनाव के ऊपर चर्चा की जो दादा ने आपको बताया। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी तो ये आगाज है और समझना है, सीखना है और सीखते सीखते समझाते समझाते हम आपसे कमिटमेंट करते हैं कि सरकार में हमारे विधायक भी बैठेंगे, मंत्री भी बैठेंगे। ये पूर्ण रूप से विश्वास मेरा है और हम तन मन धन से दादा के साथ और काम करेंगे और करते हुए बनकर काम करके हम इस प्रशासन शासन में हम राज जरूर करेंगे राजपूतों में। अभी हमारी पूरी मीटिंग हो चुकी है, तत्काल एक मीटिंग और हमारी दादा के साथ बैठेंगे कि हमें जैसे कहा गया कि जो ज्यादा पार्टी में जो ज्यादा टिकट देंगे हम उनके साथ है, और जो देता है तो ठीक, नहीं देता है तो हम सक्षम है अपने बलबूते पे चुनाव लड़ाने के। मतलब चैलेंज मान सकते हैं? अब चैलेंज बोलो, चैलेंज है। हम तो निवेदन करते हैं, आवेदन करते हैं, फिर समझते हैं आगे क्या कि हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय की तरह लड़ना भी जानते हैं। हमारी जो म्यानों में तलवारें पड़ी वो जंग थोड़ी लगी है, हमने चलाना भी थोड़ी छोड़ा है। हम युद्ध करते हैं और युद्ध करते हैं हमारी कृति हमेशा हुई है। हम राजपूत है, राजपूत का रियल मतलब राष्ट्रपुत्र होता है। राष्ट्रपुत्र का मतलब होता है सारी समाज में हम समाज आए और सारी समाज हम में समाज आए, उसी को नाम राष्ट्रपुत्र है। और राष्ट्र के प्रति जब जब बलिदान की जरूरत होती है तो राजपूतों ने तो बलिदान दिया था। जब दादा के ऊपर एक चैलेंज किया गया था कि कोई भी जम्मू कश्मीर में वहां पे झंडा नहीं फहरा सकते, वो दिन याद करो फिर किसने झंडा फहराया था? नहीं बताया था। चैलेंज लेना राजपूतों का तो कर्तव्य बनता है, यही तो हमने जीवन भर किया है। युद्ध की रणनीति में यदि हमें कोई ललकार है तो हमारे पुरुषोत्तम राम ने कहा है हम काल से भी मौत से लड़ सकते हैं, तो वो युद्ध भी हमारे लिए एक तरह का हम समाज के लिए काम करते हैं। और मैंने देखा है, दादा को आगाज कराना चाहता हूं इस प्रदेश में कि ऐसे ऐसे मंत्री ऐसे ऐसे विधायक हैं और भी बनाएंगे, समझ जाए तो ठीक, तो करप्शन की जगह छोड़ेंगे नहीं इस बार, किसी घोटालेबाजी को नहीं छोड़ेंगे, करप्शन वालों को नहीं छोड़ेंगे। चैलेंज नहीं है, धमकी नहीं है, ये मेरा कमिटमेंट है कि अगली सरकार में हम बहुत भरी मतों में से हम राजपूत चुन के आ रहे हैं। सर, करप्शन को लेकर कुछ चिन्हित किया क्या मंत्री आपने ऐसे कुछ? मैं आपने क्या कहा, रखूंगा सामने टेबल पर रखूंगा जब हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो। मैं तो आपको दो बात कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, सबसे बड़ी बात मैंने आपसे रखी है कि माय डियर फ्रेंड्स एक बात याद रखना, ये चुनाव नहीं है, दंगल है एक तरह का अभी का, क्योंकि इस चुनाव में हमने सब प्रकार से मांग कर देख लिया हमारी समाज को। अपने चुनाव चिन्ह नहीं लिया है, हमारा चुनाव लाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो लाएंगे, हमने अपने चुनाव चिन्ह, यदि जरूरत पड़ी तो पुरुषोत्तम राम ने सीता जी के लिए सेना बनाकर बजरंग बली को भी सुग्रीव बाली को युद्ध करा के हमने आगे भी निकल गए और हमारी सेना बानर सेना माता भी युद्ध करके माता सीता को भी लेके आ गए थे हम। जरूरत पड़ेगी तो हमारा चुनाव चिन्ह के हम खुद आ जाएंगे सामने। मुख्यमंत्री को संदेश कह सकते हैं? मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हमारी बातें मानी है। 5 तारीख को हम बैठे थे दादा और हमारी सबकी बात मानी है और हमारे हाथों से पूजन करवा के वहां पे बहुत भव्य पूजा करके माँ पद्मावती की मूर्ति की इतनी बड़ी स्थापना करी, ये कितनी बड़ी बात है। हम तो ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को नमन भी करते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी वहां समझेगी समझाएंगे भी सही। हम तो प्रशासन को साथ लेके काम करना चाहते हैं। बस एक ही चीज कहना चाहता हूं मैं शासन और प्रशासन को, हमारे किसी भी समाज के किसी भी युवा पे टारगेट ना रखें, बहुत मुश्किल से भविष्य बनता है बच्चों का। हम उन्हें राजनीति में लाना चाहते हैं या हम देश के लिए IAS IPS बनाना चाहते हैं? मुकदमा करने से पहले श्री राष्ट्रीय राजपूत गर्मी से ना चैलेंज कर दिए कि प्लीज उसे विचार है, देखिए एक ये एक वो एक GST एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इन पर छानबीन करें। मैं हार्दिक मैं आपको आरक्षण की बात कही थी, आपने दादा ने बताया आरक्षण किसको मिलना चाहिए, मैं करोड़ों रुपए लाखों रुपए का टैक्स भरता हूं, मुझे नहीं मिलना चाहिए आरक्षण? लेकिन क्या मेरी समाज में गरीब नहीं है? कपड़े नहीं मिल रहे हमारे कुछ बच्चों को, तो ऐसे हर समाज राजपूत में ब्राह्मण में क्या सबको नहीं मिलना चाहिए? आर्थिक स्थिति में आरक्षण को मैं केंद्र तक की बात करना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, हमारे आदरणीय उपभर्तक में बात करना चाहता हूँ सिर्फ मोदी जी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को, जैसे आपकी जोड़ी है ऐसा आरक्षण में इसमें भी लगाम लगा सकते तो मोदी जी लगा सकते हैं, मौका है, और गले की हड्डी को निकाल कर फेंके आर्थिक स्थिति पर आरक्षण दिया जाए। ये मेरा विचार है, ये मेरा सजेशन है, गृह मंत्री को भी सजेशन है। और प्लीज अब थोड़ा रोका जाए हत्याचारों को, घोटालेबाजों को रोका जाए, अन्यथा हम अभी तो चुनाव आ ही रहा है,
आगे देखेंगे। एक तरफ आप मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, करप्शन भी बता रहे हैं, वो कांग्रेस के पास तो मुख्यमंत्री और पूरी सरकार के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, तो आप बीजेपी में भी कोई लोग बैठे होंगे तो कांग्रेस में भी कुछ लोग बैठे होंगे। हाँ, तो वही तो बोलो, मोदी हर कोई योगी जी थोड़ी है जी, हम रखेंगे ना बातें। हमने सब सरकार को देखा है, करप्शन की बात क्या है सर, जीरो नीचे से ऊपर तक। अभी हमारे करणी सेना के बाद कोई बहुत सारे पदाधिकारी है, कोई बागी बन के बैठ रहे, तो करणी सेना नहीं है। राजपूत का मतलब सम्मान देना, सम्मान लेना जानता है। करणी सेना एक सनातन धर्म की इतनी रक्षा करता है, सिर्फ करणी सेना हर धर्म की रक्षा कर लिए हम उतरते हैं, तो हम अनुशासन में रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम सभी के ऊपर, हमने सबको देखा है साहब। हम दिल्ली वाली सरकार को भी बोलते हैं, हम ममता जी को भी बोलते हैं, हम किसी को छोड़ते नहीं, हम किसी के नहीं, हम सब राष्ट्र के हैं साहब। राष्ट्रपुत्र कहलाते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं। यानी कोई क्वेश्चन? जय भारत। सूर्य सिंह सोनर राष्ट्रपुत्र।